In this video, we will do part 2 of quadratic equation. Okay, so till now, what we have done, देखिए अभी तक हमने जो part 1 जो video का था ना, जो इससे पहले already upload हुआ है, उसमें मैंने 4.1 और 4.2, these two exercise I already done. So now in this video, we will do 4.3 exercise. So what we will do in this video? First, we will learn कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड, फैक्टराइजेशन करने का मेथड है. ज्यादातर बच्चे इसके बारे में पूछते हैं सर ये. सेकेंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेरा फेवरेट है. और लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी कि पूरी 4.3 एक्सरसाइज करेंगे. सो शुरू करते हैं. देखिए दिस टेबल हाई ऑलरेडी डिस्कस, ये मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूं. फैक्टराइजेशन के मेथड बताऊंगा आपको. फैक्टराइजेशन वर्ड का मीनिंग होता है टू स्प्लिट अप, ब्रेकअप करना. आई होप आपको ये पता होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल 15 का ब्रेकअप हम कैसे करते थे नंबर का, 5 × 3, दो नंबर में कर दिया हमने. बट हमारा जो है ना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर का नाम है. तो ये पावर 2 है ना, इसकी तो दो ब्रैकेट बनेंगे, एक ये ब्रैकेट बनेगा और एक ये दो बन गए, और इनसे दो ही रूट्स बनेंगे. तो फैक्टराइजेशन करने के जो हमारे पूरे चैप्टर में तीन मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, आई होप ये ऑलरेडी आपको पता है, राइट. हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला. कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड कब यूज करते हैं, देखिए बहुत सारे केस है जहां पे मिडिल टर्म फेल हो जाता है. ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस केस में ना मिडिल टर्म जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि उससे हम नहीं कर पाते, फिर कंप्लीटिंग स्क्वेयर से करेंगे. लेकिन आपको बताऊं एवरग्रीन मेथड जो है ना वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला. एवरग्रीन मतलब कि आपको कभी किसी भी डाउट आ जाए क्वेश्चन में, ये मेथड आपको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होगा, यानी कि यू कैन डू एनी क्वेश्चंस विद दिस मेथड. सो दिस इज माय इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट वन आल्सो. बट सबसे पहले हम ना कंप्लीटिंग स्क्वेयर करने से पहले नेचर ऑफ रूट पढ़ते हैं. ओके, सो नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि बिना आंसर निकाले हमें यह पता लग जाए कि रूट रियल है या नॉट रियल. तो आप बोलोगे रियल और नॉट रियल का क्या मीनिंग है यहां पे? देखो मैं आपको समझाता हूं, ये बात कर रहे हैं रियल नंबर की और नॉट रियल नंबर की, राइट. रियल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन भी, यानी कि रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. बट नॉट रियल नंबर है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे. कौन से? जहां पे आयोटा आता है. तो रूट्स यानी कि नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और नॉट रियल. सिमिलरली जो रूट्स है ना वो दो तरह के होते हैं, रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स. तो कैसे पता करें कि रियल रूट है नॉट रियल रूट है? ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट. इसमें ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी है वो एक्स का कोफिशियंट है, और सी कांस्टेंट टर्म है. मैं एक नई टर्म बता रहा हूं आपको, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है. डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, और डी की वैल्यू बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब है एक्स का जो कोफिशियंट है ना उसका स्क्वायर माइनस 4ac. 4ac का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म. इफ डी स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इस डी की वैल्यू, ये डी है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, सिंपल सी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो रूट है ना वो रियल होंगे और दोनों रूट डिफरेंट होंगे. डिफरेंट का मतलब है अगर एक रूट 3 आया है तो दूसरा रूट 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बराबर नहीं होंगे. अगेन क्या है, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बराबर 0 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में भी रूट तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे. इक्वल का मतलब अगर एक रूट 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, ये याद रखना, इक्वल का मीनिंग ये हो जाता है. और ये जो है ये इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, किसकी, डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो उस केस में नॉट रियल होंगे. ये हमें फाइंड नहीं करना, नॉट टू फाइंड, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं. सिर्फ आपको ये लिख देना है नॉट रियल रूट्स, सो नॉट टू फाइंड, ये फाइंड ही नहीं करेंगे. एग्जाम्पल से समझाता हूं, बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल का. देखिए इस केस में लेते हैं, ये पता करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया, डी निकालने के लिए, देखिए मुझे अगर डी निकालना है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए यहां पे क्या है, ए की वैल्यू है ये 2. व्हाट इज बी वैल्यू, बी की वैल्यू है यहां पे माइनस 7, और व्हाट इज सी वैल्यू, सी की वैल्यू 3 है. तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, मैंने बी की वैल्यू रखी माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए, ए यहां पे 2 है, सी, सी की वैल्यू अगर आप देंगे 3 है, तो दिस इज 49 माइनस, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इट इज कमिंग 42. ओके, नाउ
ओके नोट 42, लेट मी करेक्ट इट, इट इज 24. 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24. सो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट, मुझे जो मिला 25 मिला. अब 25 तो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, तो ये रियल रूट आएंगे और रियल के साथ साथ में दोनों की दो जो रूट आएंगे ना वो डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे. आई होप क्लियर. हम आगे आपको, मैं आपको बताऊंगा कि निकालना कैसे, पहले तो सिर्फ नेचर इस केस में देखते हैं. देखिए आपसे मैं खुद पूछूं बिना फार्मूले के कि भाई कोई एक्स की वैल्यू है जो उसका स्क्वायर 4 में ऐड करने पे 0 आए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहां ए कितना है, जहां कोफिशियंट कुछ भी नहीं होता 1 होता है, ए इज 1 राइट. बी की वैल्यू देखिए, बी की तो टर्म ही गायब है यहां से, तो बी तो 0 हो जाएगा. और ये जो सी है ना यहां पे 4 है. अब मैं सबसे पहले ये पता करता हूं कि क्या इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालता हूं. बी स्क्वेयर यानी कि बी तो 0 है, ये 0 का स्क्वेयर कर दिया, माइनस 4ac करा, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 16 आया. माइनस 16 देखिए आप यहां पे वापस याद दिलाता हूं, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट होते ही नहीं, तो आप लिखोगे नो रियल रूट और हम इसको निकाल नहीं सकते. ये चीज, ये क्वेश्चन हम 11th में करेंगे. आई होप आपको ये नेचर ऑफ रूट क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन में पूछता है कि भाई ये नेचर ऑफ रूट कौन से होते हैं, रियल है या नॉट रियल है. दूसरा आपको डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं एक्सरसाइज का. और ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का. व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. हमसे पहले कह रहा है कि पहले चेक कर लो, और फिर चेक करने के बाद जो मेथड का नाम लिखा है ना, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो पहले चेक करते हैं. देखिए चेक करने का मतलब है, यहां ए की वैल्यू 2 आई, बी की वैल्यू -7 आई और सी की वैल्यू है वो 3 आई. तो मैंने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो बी की वैल्यू यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 किया, तो आई थिंक ये 49 -24 आया. 25 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली रियल रूट है, और रियल रूट है और दोनों के दोनों डिफरेंट वैल्यू है. ये हमें यहां से कंक्लूजन मिल गया. बट क्वेश्चन ये है कि इफ दे एग्जिस्ट फाइंड द रूट, और रूट निकालने के लिए हमें क्या कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब मैं जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको क्वेश्चन को करता हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा. आई थिंक सब बच्चे इसी में अटकते हैं. देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, इस क्वेश्चन में मुझे एक स्क्वायर कंप्लीट करना है. मैं एक वीडियो आपको और अपलोड कर रहा हूं जिसमें स्क्वायर आप कैसे करते हैं, इसका पिक्टोरियल फॉर्म वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको मेथड बताता हूं. देखिए भाई, स्टेप 1 इज कि एक्स का कोफिशियंट है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो, परफेक्ट स्क्वायर तो या तो 1 होता है, मैं लिख देता हूं आपको याद होगा ये हमने लोअर, या 4 होता है. तो मुझे 1 बनाना है. 1 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ये मैंने 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करूंगा ये जो टर्म बन जाएंगे ना, ये बन जाएगी 7/2x, और ये जो टर्म बनी ये मेरी बची 3/2. आई होप, ये मैंने क्यों किया है, हमेशा पहला स्टेप जो होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बना लीजिए या परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, बट यहां पे 1 बनाना ठीक था. नेक्स्ट क्या है, हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी कि देखिए एक नया ट्रिक बता रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना उसको आप हाफ कर दो, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर ऐड कर दो बोथ साइड. क्या है यहां पे, ऐड, ये मैं लिख भी देता हूं, एड कोफिशियंट ऑफ एक्स, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना उसको 2 से डिवाइड करके और उसका स्क्वायर है वो ऐड कर देते हैं. एड दिस बोथ साइड राइट, या हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो एक ही बात है. तो मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस, देखिए -7/2 है, -7/2 जो है इसको मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा 1 बाई, यानी कि 2 से डिवाइड करने का मतलब है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -7/4.
तो मुझे -7/4 ये यहाँ पे आया, तो यहाँ नेगेटिव साइन मैं नहीं लूंगा, इसका स्केयर करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 7/4 का होल स्केयर मैं 7/4 यहां ऐड कर रहा हूं इधर भी, और ये +3/2 एज इट इज है, और यहां पे भी मैंने ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, या मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, एक ही बात होती है। ये जो चीज है ना, ये एक आइडेंटिटी बनती है, आपको याद होगा वो आइडेंटिटी, मैं यहां से रिमाइंड कर देता हूं, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस आएगा, सॉरी 2ab माइनस का और प्लस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बराबर होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं एक्स, और यहां b की वैल्यू क्या है, 7/4 है, -7/4, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये 3/2 वहां चला जाएगा, 3/2 वहां जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49/16 -3/2। नेक्स्ट स्टेप इज एक्स -7 एज इट इज आई विल राइट, ओके, और फ्रॉम दीज टू अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 25, ओके, 25/16। सो लेट्स मी गो फॉर द नेक्स्ट वन, मैं यहां पे लिख देता हूं, सो एक्स माइनस सेवन एक्स 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 होल स्क्वायर। अब हम जो करेंगे ना, वो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखिए आई होप ये आपने कर रखा हुआ, इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली आपको पता है कि भी अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, +-2 लिखते हैं, तो इस केस में एक बार प्लस लेंगे, एक्स माइनस जो 7/4 है एक बार तो ले लेंगे +5/4, और जो x -7/4 इज इक्वल टू है एक बार ले लेंगे -5/4। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 5/4 +7/4 किया, और यहां से मुझे एक वैल्यू मिल गई x की, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां से मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4 है, तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई 1/2। ये हमारे दो रूट्स हैं, आई होप यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, अगर आप नोट करो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट। देखिए पहले तो मुझे चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एग्जिस्ट कैसे चेक करेंगे भैया, मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जहां पे मैंने ए बी सी की वैल्यू रखी, तो ए तो मेरा 4 है, बी की वैल्यू 4√3 है, और 3 कांस्टेंट टर्म मेरा 3 है, ये ध्यान में रख लेना, आप राइट हैंड साइड में 0 बना लेना ए बी सी लिखने से पहले, क्योंकि हमारी जो जनरल टर्म है ना किसकी क्वाड्रेटिक की, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। बी की वैल्यू मैंने रखा तो 4 का रूट करूंगा स्क्वायर करूंगा तो 16√3 हो जाएगा, देखिए √3 जो है वो 3 बन जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। आपको याद है अगर 0 आए तो रूट रियल तो होंगे और क्या होगा, इक्वल होंगे, इक्वल का मतलब एक रूट वो है दूसरा भी वही होगा, समझाता हूं नेक्स्ट। अब हमसे कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया था, या तो यहां पे 1 बना लीजिए या परफेक्ट 4, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो देखिए अब ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो ऑटोमेटिकली यहां पे 4 बना हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है ना इसको मैंने ब्रेकअप कर दिया 2ab में, 2 इंटू ए ये है और बी ये है, और 3 को लिखा √3, तो यहां पे देखो कितना इजी हो गया, हम यूजिंग क्या करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर, ये मेरे बी है, ये आइडेंटिटी होती है ए +b का होल स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x +√3 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो देखिए यहां पे ऑब्वियसली ये 0 तभी पॉसिबल है जब 2x +√3 0 के बराबर हो, और √3 0 के बराबर कब होगा, x इज इक्वल टू -√3/2, ये जो x की वैल्यू आई है ना ये सेम होगी क्योंकि इक्वल रूट है ना, यहां पे पावर 2 थी तो x की दो वैल्यू, एक तो -√3/2 होगी और ये भी सेम यानी कि रिपीट करेगी, इक्वल है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है ना आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो नेक्स्ट हमारा है ना वो आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेरा फेवरेट है भाई, मैं हमेशा इसी फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व करता हूं, टाइम सेविंग ट्रिक है।
तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि टाइम सेव ट्रिंक में है ये फार्मूला है क्या। देखिए आपको ये नेचर ऑफ रूट्स है ये रिकैप्चुलेट करने की जरूरत नहीं, आई होप दिस यू ऑलरेडी डन राइट। अब मैं सिर्फ आपको समझाता हूं कि भाई इसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो, कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो आपको ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है तो ही आप इस फार्मूले का यूज करना, ठीक है। अगर ये लेस देन जीरो आ जाता है थोड़ी देर के लिए ये वैल्यू, तो उसमें नोट रियल है। नोट रियल का मतलब है कि हम उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं करेंगे। ये फार्मूला क्या है? फार्मूला ये कहता है कि भाई अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट एक्स निकालने का फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को जनरली बच्चे देखते कहते हैं बड़ा टफ फार्मूला, टफ नहीं। देखिए आपको ध्यान दिए, ये चीज तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं है क्या? तो किसी किसी बुक्स में मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं प्लस माइनस में, और यहां पे डी लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, और ये 2a हो गया। आप बोलोगे सर ये प्लस और माइनस क्यों है? देखिए अगर मैं प्लस लेता हूं यहां पे तो ये x की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर यहां पे सिर्फ माइनस लेता हूं तो x की कौन सी वैल्यू आ जाएगी? दूसरी। x की दो वैल्यू होंगी ना, दो रूट होंगे। एक करके दिखाता हूं इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ में, तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आई, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 आ गया, बी की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई -3 आ गई, और कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे कितनी है, सी की वैल्यू -10 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं, पहले तो यही चेक कर लेता हूं कि ये रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करा मैंने, यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू है -10। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस का स्क्वायर तो 9 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 40 आ गया, 49 आ गया। 49 अगर पॉजिटिव है ना, जीरो से बड़ा है, तो रूट तो रियल है, ठीक है। अब मैं यहां पे निकालता हूं एक्स की वैल्यू, एग्री। एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं, ये जो फार्मूला है ये तो आपको आई होप आता होगा। एक्स मैं इसमें पुट करता हूं माइनस बी, देखिए माइनस बी का मतलब है कि ये जो बी आया है ना आपका, मैं इसकी इंक चेंज कर लेता हूं, लेट मी टेक अनदर इंक। ये माइनस बी कितना आया है, देखिए -3 है तो माइनस ऑफ -3, ये बी की वैल्यू रख दी मैंने यहां पे, फिर प्लस माइनस स्केयर रूट लिया, बी स्केयर माइनस 4 इसी क्या है, ये तो ऑलरेडी 49 आ रखा है ना मेरा, तो मैं डायरेक्ट यहीं से 49 ही पुट कर देता हूं, ये मैंने ऑलरेडी 49 निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू मैंने यहां पे कितना निकाला है 1 निकाला है, तो 2 into 1, ये मेरा आंसर आ गया। माइनस माइनस इनको सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस माइनस में 49 का क्या होता है 7 होता है, और ये हो गया 2। देखिए अब दो x की वैल्यू बनेगी, x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं प्लस ले लेता हूं तो ये मुझे एक वैल्यू मिल गई 5, अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो जो x की वैल्यू मिली मुझे -4/2, और -2 आंसर आ गया। ये मुझे x की दो वैल्यू मिल गई। इन दोनों को हम जनरली कंबाइंड करके ना ऐसे लिख देते हैं। ये फार्मूला देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये इंटरेस्टिंग है, इजी करना, इजी है आपका मेथड। एक काम करते हैं, और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। और मैं अक्सर ये जब मेंशन नहीं हो ना तो ऑलवेज फॉलो दिस। देखो यहां पर लिखा है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस केस में बिना टाइम वेस्ट के ए लिखूंगा मैं 2 है, बी की वैल्यू मेरी माइनस सी है, और सी की वैल्यू है वो 3 है। पहला स्टेप पता है क्या, डी निकालो। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो तब निकालें जब इसके रूट एग्जिस्ट करते हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी मैंने निकाला, यानी कि -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और यहां से मैंने सी की वैल्यू 3 रखी, तो -7 तो 49 देगा प्लस का, और ये दे देगा 24। सो मेरा 25 आया, 25 तो रियल रूट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अब मैं प्रोसीड फर्द करूंगा, अब मैं फार्मूला लिखूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, और ये डिस्क्रिमिनेंट को d लिख लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे d यहां पे निकाला हुआ है ना, आई होप यहां आपको क्लियर हुआ होगा, और नीचे 2a। इस फार्मूले में मैं x में लिखूंगा -b, देखिए b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, ये ध्यान में रखना आप, माइनस ऑफ -7 होगी प्लस माइनस, और ये जो d है ना ये मेरा कितना आया 25 आया, तो मैं सीधा बिना यहां पे अलग से कैलकुलेट नहीं करूंगा 25 लिख दूंगा, और 2a, a की वैल्यू यहां कितनी है, a की वैल्यू है 2, सो मैंने ये 2 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस का 7, प्लस माइनस और 25 का 5 होता है और नीचे आ गया 4। तो ये x की एक बार अगर मैं प्लस लूंगा ना तो मेरे पास 7 प्लस 5 बाई 4 यानी कि ये वैल्यू आई 3। और अगर मैं x के दूसरी वैल्यू कैसे निकालूंगा, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा यानी कि 2 बाई 4 करूंगा और आंसर यहां से आ गया मेरे को 1/2। x के दो रूट क्या हो गए, एक 3 हो गया एक 1/2 हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं भी होना तो ऑलवेज फॉलो क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए इस केस में देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे वाला करेंगे। कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग। तो सबसे पहला जो काम है क्वेश्चन देखते ही ए बी सी लिखना। ए लिख दिया, बी की वैल्यू जनरली बचेगा दूसरी तो रूट वाला है ये आप जरूर करा दीजिए। रूट में मैंने लिया, अब ये प्लस 3 है, इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं और यहां पे 0 है राइट। तो यहां सी जो है ना वो एक्चुअल में मैं करेक्शन कर दूं, ये 3 होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो डी कैसे निकालते हैं, डी जो निकालने का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी तो ये है तो इसको मैंने 4√3 है इसका स्क्वायर करा और 4ac किया, 4 इंटू यहां से a आ गया और यहां से 3 आ गया। तो ये देखिए 4 4 16, 48 माइनस 48 जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो डेफिनेटली रियल तो है और रियल के साथ एक और अच्छी चीज होती है ये इक्वल होंगे। मुझे तो और मजे अभी क्वाड्रेटिक में क्यों आएंगे, क्योंकि जब डी जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक और भी इजी हो गया। पहले फार्मूला लिखता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस ये रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a है। वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू मैं यहां पे क्या लिखूंगा 4√3, तो माइनस 4√3 आ गया। प्लस माइनस देखिए जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होता है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ए की वैल्यू यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, ये मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए अभी एक्स की दो वैल्यू है, तो x की दो वैल्यू तो हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 माइनस ये जो 4√3 है और यहां पे 2 × 4 है, तो मैं 4 से 4 कैंसिल कर देता हूं तो -3/√1 एक वैल्यू आई। अब रूट इक्वल है ना तो दोनों रूट बराबर होंगे, एक ये वाला और दूसरे वाला भी बराबर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये बहुत बार आया हुआ है, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी था बहुत पहले और प्री बोर्ड में तो बहुत बार पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट। अब इसने मेंशन नहीं किया एनी मेथड, मैं अगर पता हूं तो आई ऑलवेज फॉलो क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि ये टाइम सेविंग ट्रिक है। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ही नहीं बना हुआ, एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम लिया तो एक्स हुआ और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 = 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये क्या चीज है। देखिए ये जरूरी है लिखना, इसका मीनिंग है कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो होने तो ही ये डिफाइन है, नहीं तो जीरो यहां बन गया, जीरो बनते ही ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पे मैं करूंगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करा, क्योंकि ये इससे करने से हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक्स को मैंने 3 के साथ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 यहां 0 आ गया। सो इस केस में पहला जो स्टेप है ना वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए a यहां पे कितना है 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस का 1, तो मैं d निकालता हूं सबसे पहले। b स्क्वायर माइनस में 4ac यानी कि b की वैल्यू यहां से क्या आ गई माइनस का 3, माइनस 3 का, अब माइनस 3 का स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1 और सी की वैल्यू माइनस 1, तो मेरा आंसर आ गया 9 और प्लस में 4 और ये आ गया प्लस का 13। तो प्लस 13 तो भाई 0 से ग्रेटर है तो रियल रूट होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अब मैं आंसर निकालूंगा कि भाई कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखा क्वाड्रेटिक का, फार्मूला कहता है माइनस का बी प्लस माइनस ये डी मैंने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट और यहां पे 2a। अब मैं b की वैल्यू लेता हूं, देखिए b यहां पे है माइनस 3 तो माइनस ऑफ माइनस 3 होगा प्लस माइनस, और 13 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो लेट इट बी एज इट इज, और a जो है मेरा यहां पे 1 है तो ये 1 2 × 1 रहेगा। तो मेरा बन गया 3 प्लस माइनस √13 और नीचे यहां पे 2 है। अब मुझे x की दो वैल्यू है, पहली वैल्यू x की क्या हो जाएगी अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं 3 प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं x की 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर टू अस। सो
अगेन इफ इट इज नॉट मेंशन प्लीज डू क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज योर टाइम सेविंग ट्रिक. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन थ्री देखते हैं. देखिए क्वेश्चन थ्री क्या कहते हैं, कहता है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, ये मैंने बोर्ड एग्जाम में लिया हुआ है. क्वेश्चन कहता है कि भाई रूट्स निकालो. सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक कैसे बनाऊंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा. अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं? नहीं पता हो ना, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई कर दिया, ये x माइनस सेवन है ना, ये यहां चला जाएगा राइट. x प्लस फोर है वो यहां चला जाएगा, और ये माइनस का साइन है, ध्यान रहे माइनस साइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस का हो जाएगा और जो प्लस है ना वो भी माइनस का हो जाएगा. तो ये देखिए दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, माइनस इलेवन आ गया. दोनों तरफ 11 है तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 11. 11 डिवाइड कर दूंगा तो यहां से माइनस वन बचा और इसके नीचे बचा. अच्छा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है कहां पे, इधर, ये मैं आपको बताना भूल गया था. क्लियर? अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 और ये होगा 1/30. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां से आ जाएगा, ये वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आ रही. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू माइनस 1, माइनस 1 को 30 से किया. देखिए अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो माइनस का 13 है यहां आएगा ना, इट विल बिकम प्लस 30 राइट. तो मैं जीरो छोड़ देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, इसके रूट निकालने हैं. इसके रूट के लिए तो ना तो क्वाड्रेटिक जरूरत है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है. इसको तो मैं करूंगा मिडिल टर्म से. सम कितना आना चाहिए, माइनस का 3, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2. तो आई थिंक मैं मिडिल टर्म यहां पे अप्लाई करूंगा. नंबर क्या होंगे, नंबर होंगे माइनस का 2 और माइनस का 1. तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देता हूं, माइनस 2x माइनस x और दिस इज प्लस 2, ये एज इट इज आएगा 2. From these two, what is common? X is common. I can write x minus 2. From these two, minus 1 is common. I can write x minus. देखिए x minus 2. आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम रहते हैं ना, इसका मतलब आपका करेक्ट है. तो ये ब्रैकेट जो कॉमन है ना, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसको x बचा, यहां से माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0. सो x, देखिए दो ब्रैकेट जीरो कब होंगे, या तो x माइनस 2 जीरो हो या x माइनस 1 जीरो हो. यहां से मुझे मिला x की वैल्यू 2 और फ्रॉम दिस आई गेट x की वैल्यू 1. आई होप ये दोनों इसके रूट्स हो गए. क्वेश्चन 3 इज ओवर. ये इंपॉर्टेंट है, आप खुद कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. See the पहल, वन थिंग विच आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इज प्रेजेंट इज हमें निकालने के लिए कह रहा है. जो हमें निकालना है ना, यू ऑलवेज टेक एक्स. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज एक्स, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप. फिर नाउ गो 1/1. ये कहता है 3 years ago, यानी कि पहले की बात है, तो 3 years ago जो एज होगी वो हो जाएगी एक्स माइनस 3 years. 5 years from now, यानी कि after 5 years के बात कर रहा है, तो एज हो जाएगी x plus 5. क्वेश्चन कहता है इनके reciprocals का सम. देखिए यहां पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बना रहा हूं ना, ये ATQ की फुल फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये कहता है कि भाई इनका reciprocal कर दो, किसका, x minus 3 का reciprocal 1/1 कर दिया और x plus 1 इसको करूंगा. इनके reciprocal का जो सम है ना वो 1/3 है. अब हमें x निकालना है. देखिए सबसे पहले आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. एलसीएम का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. x माइनस 3 और x प्लस 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये जो x प्लस 5 है ना, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 5 एज इट इज होगा. और ये जो x माइनस 3 है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर x माइनस 3 आएगा. राइट साइड में हमारा 1/3 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए लाइक टर्म को करते हैं, 2 और 2x हो गया, 5 और माइनस 3 को करूंगा तो यहां पे प्लस का 2 आया. यहां नीचे करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर, x इंटू 5 से करूंगा 5x हो गया. उसके बाद अगर बात करें माइनस 3 से करें, माइनस 3x इंटू x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और माइनस 3 इंटू 5 से करा तो ये हो जाएगा माइनस का 15. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा.
एक काम करते हैं, नेक्स्ट है ना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है तो इधर कर लेता हूँ। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ लेट्स गो हियर। ये मेरा बन गया 2x+2 और डिनोमिनेटर में बना x2 और यहाँ लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ये बन गया प्लस का 2x बना और माइनस का 15 और राइट साइड में 1/3। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 से तो एज इट इज ही आएगा ये, तो 2x-15 में एज इट इज लिख देता हूँ। और ये जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2x+, यानी कि ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3x+ में 2 से। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अगर लें तो x2 प्लस में 2x-15 और ये बन जाएगा 6x+ में 6। इन सबको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, तो 6x यहाँ पे है प्लस का तो यहाँ के माइनस हो जाएगा और प्लस का ऑलरेडी 2x है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ये प्लस का 6 है यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21। ये हमारी इक्वेशन बन गई। देखिए आपको मिडिल टर्म से कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे बड़ा इजी बन रहा है, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं बट मिडिल टर्म इजी है। दो नंबर जिनका सम -4 हो और जो प्रोडक्ट हो ना वो -21 हो तो ऑब्वियसली सीधे सीधे पता लग रहा है नंबर है माइनस का 7 और प्लस का 3। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मिडिल टर्म से मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, माइनस का इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कराया मैंने -7x और यहाँ पे मैं प्लस का 3x लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, मैंने x -7 लिखा। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 3। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना इसका मतलब आपका करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नो एक्स माइनस 7 है इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से बचा एक्स और यहां से बच गया प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, या तो एक्स माइनस 7 जीरो हो जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है जीरो बनाने के लिए, या एक्स प्लस 3 जीरो हो जाए। अब x माइनस 7 जीरो होगा तो x की वैल्यू यहां से 7 आ गई, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और x की वैल्यू यहां से -3 आई। देखिए ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों डिस्कार्ड कर देंगे, आप लिखोगे एज कैन नॉट, एज जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो आंसर है ना वो ये हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एज है वो 7 हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना वो सेम आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये प्री बोर्ड में आया हुआ है। कहता है भी क्लास टेस्ट में ना सेफाली के मार्क्स का सम है मैथ्स और इंग्लिश, उनका सम दे रखा है 30, एग्री। तो मैं अगर ये कहूं कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो है वो सम 30 है, राइट। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं उसके मैथ्स के मार्क्स x हैं, अगर मैं ये x मान लेता हूं तो x प्लस में इंग्लिश के मार्क्स 30 हो जाएंगे, तो मुझे इंग्लिश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 में से माइनस करना पड़ेगा। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है, कहता है इफ सी गो टू मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर दो मार्क्स और एड आ जाए, 3 मार्क्स लेस हो जाए इंग्लिश में, इंग्लिश में 3 लेस हो गए, तो उनका प्रोडक्ट, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कीवर्ड्स को, कहते हैं उनका प्रोडक्ट 210 है। फ्रेम करते हैं, मैंने मैथ्स के मार्क्स को x माना है, ये x प्लस 2 बनेगा। इंग्लिश के मार्क्स को क्या माना है, 30 माइनस x है ना, तो ये जो 30 माइनस x है इसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा ये वाला ब्रैकेट 27 माइनस x। I hope this is clear to you. Now let's go do one thing. Quadratic बनाने के लिए हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने का, x into 27 ये हो जाएगा 27x, x into minus x ये हो गया माइनस का x2। So I hope this is clear to you. Now 2 into 27 ये हो जाएगा 54, 2 into minus माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 210 हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपोज करा है। आई होप ट्रांसपोजिंग आपको आती है। जो नेक्स्ट स्टेप है ना, x2 जो है वो अकेली टर्म है लेकिन 27 और माइनस का 2 तो ये मेरा यहाँ पे बना प्लस का 25x। और अगर आप इनको करते हैं माइनस का 210 और प्लस का 54 तो ये आ जाएगा माइनस का 156।
अब देखिए x स्क्वायर नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई करूंगा मैं बोथ साइड। ये करने से जो मेरा पर्पज है ना वो एक ही पर्पज है कि मैं इसको पॉजिटिव बना लूंगा। ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाए, पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव। देखिए अब मुझे फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला करूं या मैं करूंगा मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या कहता है, सम और प्रोडक्ट लिखिए। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो आना चाहिए -25 और प्रोडक्ट आना चाहिए 156, तो दो नंबर आपको मिल गए यानी कि 13 और 12, माइनस का 13 और माइनस का 12। आई होप ये अगर आपको नहीं आए इन केस मान लो, तो बेस्ट है आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नेक्स्ट इस स्टेप के बाद यहां कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x और माइनस का 12x, इनको ऐड करने पे -25 आ रहा है और प्लस का 156। देखिए अब मैं क्या करूंगा, कॉमन ले रहा हूं इन दीज टू, व्हाट इज कॉमन, x कॉमन है तो मैंने x माइनस 13 लिखा। अच्छा फ्रॉम दीज टू टर्म्स -12 इज कॉमन, सो -12 कॉमन है तो यहां पे भी अगेन वही मेरी स्टेटमेंट, अगर ये दो ब्रैकेट आपके सेम बन रहे हैं यू आर डूइंग राइट। अब जो सेम ब्रैकेट बना है ना इसको मैं बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, फ्रॉम हियर एक्स इज लेफ्ट एंड फ्रॉम देयर -12, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है। कब पॉसिबल है, जब या तो x माइनस 13 है वो जीरो हो, या दूसरा नंबर क्या है, x माइनस जो 12 है ना वो जीरो हो जाए। एग्री, तो यहां से मुझे मिला x इक्वल टू 13, ओके, और यहां से मिला x इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन ये होता है सर क्या आंसर होगा, एग्री। अब आपको देखिए, अगर मैं यहां पे x किसके माने थे, मैंने मैथ्स के, मैथ्स के मार्क्स अगर मैं लेता हूं 13, तो इंग्लिश तो 30 में से करेंगे, तो इस केस में इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 17 आए। दूसरे केस में देखते हैं, अगर इस केस में, केस नंबर टू में मैथ्स के मार्क्स मैं कंसीडर करता हूं 12, तो इस केस में इंग्लिश के मार्क्स यानी कि मैं 30 में से, इंग्लिश के कैसे निकालेंगे, 30 में से 12 माइनस करेंगे एंड आंसर इज 18। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिस क्वेश्चन अगेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, सो आई विल राइट इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट इज द क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है कि भाई एक रेक्टेंगल फील्ड है एंड 60 मीटर मोर देन द शोर्टर। देखिए कभी भी आपको जो एक्स कंसिडर करना होता है ना वो शोर्टर साइड को ही मानो, तो मैंने लेट शोर्टर साइड जो है रेक्टेंगल की वो एक्स मान ली, ब्रेथ को शोर्टर मानते ही इसको एक्स माना। कहते हैं लोंगर साइड है ना वो 30 मीटर मोर है, यानी कि ये लेंथ की बात कर रहा है, 30+ मोर हो गया, यानी कि लार्जर साइड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 30। अब हमसे कह रहा है डायगनल 60 मीटर मोर, इन मैथ्स है ना मोर वर्ड का मीनिंग प्लस होता है, तो ये जो डायगनल है ना ये 60+ हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं इस एक्सरसाइज का, आपको पता है राइट एंगल बन रहा है, डायगनल हमें मिल गया, यानी कि हमें क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, मुझे एक्स निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट दिया था, पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि भाई इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज जो है और वो बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेस कितना है हमारा, बेस यहां पे x प्लस 30, यानी कि एक तरफ मैं x प्लस बेस का स्क्वायर और एक तरफ मैं करता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करा और हाइपोटेन्यूज है ना मैं राइट साइड में ले लेता हूं, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा x प्लस 60। अब मेरी क्वाड्रेटिक जो है ना वो यहां से आएगी, कैसे आएगी, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, इनको सिंपली आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस b, ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 30 का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 × x × 30, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का है, और यहां से एज इट इज एक्स स्क्वायर है ये, इसको मैं टच नहीं कर रहा। सिमिलरली आई विल अप्लाई आइडेंटिटी हियर, यहां से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में 2 × 60 × x। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से क्या क्वाड्रेटिक आती है, अब एक चीज आपने नोट करी, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू है,
तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में बचा एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद क्या बचा, इसका होता है 900, ये 900 बचा, यहां से बचा 60x, राइट। यहां से अगर आप देखो राइट साइड में ये है 3600, और ये जो टर्म सिंप्लीफाई करेंगे तो 120x आ गया। ऑन ट्रांसपोजिंग, इन दोनों को मैं अगर ट्रांसपोज करके यहां पे लेके आता हूं, सो मेरी क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस का 60x बनेगा क्योंकि 120 नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पे बना माइनस का 2700। ये 2700 क्यों आया, ये इधर आएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा और 900 पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इज रेडी। देखिए अगेन मैं फैक्टराइज करने के लिए क्या चूज करूंगा, मुझे सबसे इजी लगता है सम और प्रोडक्ट यानी कि मिडिल टर्म, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप करिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सम आना चाहिए माइनस का 60 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 2700। देखिए मैं कंबिनेशन करके फटाफट निकाल देता हूं कि भाई माइनस 90 और प्लस का 30 लिया तो ये दो नंबर है, ये दो नंबर मिल गए तो मेरे लिए इजी होगा फैक्टराइज करने। नाउ व्हाट आई विल डू, इन प्लेस ऑफ 60, ये जो 60 है ना इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 90x और प्लस का 30x और 2700 एज इट इज आई विल राइट। बाय चांस आपको ये नहीं आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला विल हेल्प यू। इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहां यहां ले लेता हूं ये स्टेप जो है, यहां से कॉमन है x, तो x माइनस 90 इज लेफ्ट। ओके, फ्रॉम दिस टू वर्ड इज कॉमन, आई थिंक यू आर एग्री विद मी, 30 इज कॉमन, 30 मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 90 यहां से भी आ गया। देखिए अगेन इस केस में भी ब्रैकेट इज सेम, तो x माइनस 90 है वो मैं एक ब्रैकेट में रखूंगा। नाउ फ्रॉम हियर x और फ्रॉम हियर इट इज प्लस का 30 और दिस इज इक्वल टू 0। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, या तो ये 9 ये 0 होगा या ये x प्लस 30 है ये 0 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। यहां से x की वैल्यू आई 90, एग्री, और यहां से x की वैल्यू आई माइनस 30। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं भाई माइनस 30 आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेंथ है ना वो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कैन नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो जाएगी। सो एक्स जो है वो हमारा शोर्टे साइड था, यानी कि एक्स जो है ना वो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हो गया 90, लेंथ क्या हो जाएगा 30 मोर, 90 में मैंने 30 ऐड करा 120 आया। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज यानी कि डायगोनल, ये मैं डायगोनल लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है, डी, वो कह रहा है 60 ऐड करना है, इस 90 में मैं 60 ऐड करूंगा। आई होप 150 दिस इज क्लियर टू यू, आपको यूनिट जरूर लिखनी है इसमें। सो दिस इज क्वेश्चन 6। देखिए ऑलमोस्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, आपको इनिशियली डिफिकल्ट लगती है और बाद में आपको एक बार करने के बाद इजी लगेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखिए मैं इसमें पहली बार टू वेरिएबल ले रहा हूं, फिर आई विल चेंज इन टू वन, लार्जर नंबर को मैंने एक्स माना, लेट स्मॉलर नंबर वाई। अब एक चीज इसने कहा, देखो क्या लिखा है, कहते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि ये कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये जो लार्जर नंबर है ना इसका 8 टाइम्स के बराबर है। और क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस ऑफ दीज टू, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 180, यानी कि लार्जर नंबर जो है ना वो एक्स स्क्वायर और स्मॉलर नंबर है वाई स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस 180 है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब मैं पहला काम पता है क्या करूंगा, यहां पे वाई स्क्वायर है ना इसको हटाऊंगा, इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर मैं 8x लिख दूं, तो एक्स स्क्वायर को तो मैंने एज इट इज रखा और यहां पे रखा 8x और 180 को यहां पे ले आया। अब आपसे पूछ रहा हूं भाई दो नंबर बताइए जिनका मिडिल टर्म से कर रहा हूं फैक्टराइज, माइनस 8 तो सम हो और जो प्रोडक्ट हो ना वो हो माइनस का 180, तो आप झट से कहोगे कि सर ये तो इजी है हमारे लिए, माइनस का 18 और 10 ये दो नंबर है। तो अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस सॉरी प्लस लिखूंगा, प्लस का 10x माइनस 180 इक्वल टू 0 करा। व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, एक्स कॉमन है, मैंने एक्स बाहर ले लिया, एक्स माइनस 18 बचा। सो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, प्लस 10 कॉमन लिया। देखिए अगेन मेक श्योर तरीका क्या है सही चेक करने का, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं,
इस कॉमन ब्रैकेट को मैंने बाहर लिया, टेक आउट कॉमन. फ्रॉम हियर व्हाट इज लेफ्ट, एक्स इज लेफ्ट. फ्रॉम हियर प्लस 10 इज लेफ्ट एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है. मैं यहां से नेक्स्ट स्टेप जो है यहां कर देता हूं. x माइनस 18 है ना, वो जीरो होगा, या तो एक केस ये बन सकता है, और x प्लस 10 जो है ये भी जीरो हो. तो x माइनस 18 रखा तो x की वैल्यू 18 आ गई, लेकिन यहां x की वैल्यू माइनस 10 आई है. एग्री? तो ये बताइए माइनस 10 जो है वो आई है तो दो केसेस बनते हैं. तो आप चेक करते हैं कौन कौन से पॉसिबल हैं. सबसे पहले देखिए x को मैंने क्या माना है. पहले तो x जो है वो 18 है, तो सबसे पहला मैं काम करता हूं दूसरा नंबर निकालने के लिए मैं दो चीजें ले लेता हूं. x 18 है तो y स्क्वायर है वो 8x के बराबर है, यानी कि 8 इंटू 18 करा, 8 इंटू 18 144 आया, और y की वैल्यू जो है ये 144 है. y की वैल्यू हो जाएगी 144 का स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस और माइनस 12. तो जो पॉसिबल नंबर बने ना, क्या बने, 18 के साथ प्लस भी 12 आ सकता है और 18 के साथ में माइनस 12 भी आ सकता है. ये दो पॉसिबल नंबर यहां पे बन रहे. लेकिन एक चीज है कि सर अगर बाय चांस, कई बच्चे पूछते हैं सर माइनस 10 आपने लिया तो आप ये बताइए एक्स स्क्वायर क्या है, 8x के बराबर है ना, और अगर एक्स की वैल्यू मैं यहां रखता हूं माइनस का 10 तो ये माइनस 80 होता है. तो स्केयर किसी का 8 नेगेटिव हो सकता है क्या? स्केयर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. स्केयर नेवर नेगेटिव. अब कभी नेगेटिव नहीं होता तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे. सो नॉट पॉसिबल लिख देंगे आंसर, और जो पहला वाला आंसर है वो करेक्ट माने जाएंगे, इसको हम करेक्ट मानेंगे. आई होप सेवेंथ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं. देखिए एट्थ क्वेश्चन अगेन, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रेफर करता हूँ, बहुत आता भी है, कंपिटिटिव में एग्जाम में भी आता है. कहता है भाई ट्रेन ट्रेवल है ना 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट, और आपको उससे पहले मैं डिस्टेंस स्पीड की बात करूं, एक फार्मूला बताता हूं डिस्टेंस और स्पीड का, ये होता है, ठीक है. कहता है अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दें, अगर मान लो देखिए इसमें आपने नोट करा हुआ कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना वो मैंने एक्स कंसीडर कर ली, राइट. ये कहता है अगर 5 किलोमीटर मोर है तो एक्स प्लस 5 कर देंगे. तो कहता है 1 आवर लेस लगेगा सेम जर्नी का. इसका मीनिंग ये हो गया कि हमसे जब स्पीड थी ना, टाइम जो लग रहा था ना ओल्ड टाइम, राइट, और जो टाइम नया लग रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है 1 आवर का. ये हमसे कह रहा है. ओल्ड टाइम का जो मतलब है ना वो क्या है, देखिए पहले टाइम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं, ये आपको कंफ्यूजन नहीं हो. मैंने टी जो है ये बड़ा है टाइम का है और ये ओल्ड लिखा है. देखिए टाइम का जो फार्मूला है ना वो यहां से आ जाएगा. क्या आ जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैं यहां पर लिखूंगा डिस्टेंस तो फिक्स है सभी के लिए 360, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एक्स, और न्यू टाइम यहां से क्या आ गया, स्पीड ये लेंगे 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 के बराबर है. देखिए अब हमें एलसीएम लेना है, लेकिन हर टीचर का अलग मेथड है. मेरा मेथड क्या है, 360 को कॉमन ले लीजिए. मैंने कॉमन लिया तो यहां से बचा 1 बाई एक्स और यहां से बचा एक्स प्लस 5. ये मैंने कॉमन लेने के बाद करा है. ये कॉमन क्यों लिया है, मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी. कैसे? देखिए पहले मैं ब्रैकेट के इनसाइड वाले को सिंप्लीफाई करता हूं. आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स और एक्स, देखिए एक्स और एक्स प्लस 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वो इसका एलसीएम होगा, राइट. तो एक्स प्लस 5 यहां चला जाएगा, लेट मी राइट एज इट इज, और ये जो x है ना वो यहां आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा. ये ध्यान में रखना, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है. अब इसमें कैंसिलेशन के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं. देखिए आपने नोट करा प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया. सो हमें यहां से क्या मिला, यहां से मिला 360 मल्टीप्लाई बाई 5, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x एक्स स्क्वेयर, और x इंटू 5 करा तो 5x एंड दिस इज इक्वल टू 1. 1 के नीचे 1 है. अब मुझे नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस स्टेप के बाद मैं यहां आ जाता हूं. ऑन यहां पे लिखना पड़ेगा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन.
देखिए आपके लिए मैं दो डिवीजन क्यों कर रहा हूं स्क्रीन के, क्योंकि एक ही पेज पे क्वेश्चन आ जाए, बट आपके लिए तो नोटबुक का पेज है, यू कैन राइट बिलो ऑल्सो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, और ये जो 316 इंटू फाइव करेंगे ना, ये 316 इंटू फाइव होता है 1800, ये यहां पे 1800 है। ऑन ट्रांसपोजिंग 1800 विल कम हियर, तो हम मेरा क्वाड्रेटिक है ना वो रेडी। एक बार क्वाड्रेटिक बन जाती है आपके लिए इजी हो जाता है, सारा गेम ही क्वाड्रेटिक है, एग्री। अब देखिए दो नंबर जिनका सम तो 5 हो, ठीक है, और प्रोडक्ट हो -1800, ये अगेन मुश्किल हो सकता है। तो मैं तो जानता हूं, तो मैं अपने मेथड से करूंगा, बट आई सजेस्ट कि आप क्वाड्रेटिक से कर लिए, मेरे लिए तो इजी है। पहला नंबर है 45 और दूसरा नंबर है यहां पे माइनस का 40, इनको ऐड करूंगा तो 5 ही आएगा। सर आप बच्चे पूछे सर आपको कैसे नहीं आए, तो मैं कहता हूं भाई आप क्वाड्रेटिक से कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो ये इस 5 की जगह पे मैं लिखूंगा 45x माइनस 40x और माइनस का 1800। आई होप ये सेम क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आया, तो एक्स प्लस 45 मैंने लिखा। नाउ फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, यहां पे माइनस 40 कॉमन है, सो आई एम लेफ्ट विद एक्स प्लस 45। देखिए अगेन सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मीनिंग दिस इज करेक्ट। तो एक्स प्लस 45 है, इसको मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, दिस इज माई एक्स, राइट। नाउ ये x यहां से आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो पहला x प्लस 45 अगर जीरो करूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, ये डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है। तो x माइनस 40 को मैं जीरो रखूंगा, तो यहां से x की वैल्यू है वो 40 आएगी, और 40 इज द आंसर। हमसे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्स की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले इसलिए कर लिया, ज्यादा वीडियो लेंथी हो रहा था, तो ये टाइम सेविंग इसको बचाने के लिए मैंने पहले आंसर लिखा, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। बोर्ड का क्वेश्चन है, देखिए दो टैप है, राइट, एक टैप है उसका जो डायमीटर है ना वो बड़ा है, राइट, और एक टैप है उसका डायमीटर है वो छोटा है। कहते दोनों को एक साथ अगर हम ओपन करते हैं तो 9 3/8 टाइम में भरता है, लेकिन कहते लार्जर जो टैप है ना वो स्मॉलर वाले से 10 आवर लेस लेता है। ओबियसली अगर ये स्मॉलर वाला एक्स आर्स में फिल करता है तो ये जो है ये एक्स माइनस 10 होगा। देखिए मैंने लिखा भी है लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप एक्स, तो लार्जर वाला तो जल्दी भर देगा, तो एक्स में से मैंने 10 माइनस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे यूनिक मेथड क्या है, आपको 1 आवर का निकालना है, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय 1 आवर। 1 आवर के लिए क्या करते हैं पता है, ये जो एक्स है ना इसको 1/x लिख देंगे। ये 1/x दो ही तरह के क्वेश्चन में करते हैं, एक मैन वर्क वाले में, एक इसमें टैप वाले में। अब लार्जर वाला कितना टाइम लेता था, एक्स माइनस 10, तो लार्जर टैप का 1 आवर का काम निकाला ना, 1 आवर वर्क इज एक्स 1/x माइनस 10। अब टोटल दोनों का कितना है, 9 3/8, 9 3/8 का मतलब है इसको 9 8 72 और 3, बट इसका भी 1 आवर का निकालते हैं, तो 1/ करेंगे, इसका भी 1 आवर का निकाला, जो यानी कि पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर। 1 आवर का निकलने के बाद हमारे लिए इजी हो गया, कैसे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैं इसका 1 आवर का यानी कि फर्स्ट टैप का 1 आवर का और सेकेंड टैप का 1 आवर का टाइम, और दोनों जब टुगेदर हैं तो 1 आवर में कितना पोर्शन भरेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों को ऐड करके बराबर रख दिया। फ्रॉम दिस आई विल गेट द क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मैंने x इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा,
एग्री, मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो x माइनस टेन है ना वो मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है, x है मुझे इधर मल्टीप्लाई करना है। सो ये करने पर x और x कितना हो जाएगा, 2x हो गया, माइनस टेन एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स को 8 से, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 80x, राइट right? और ये 75 है ना, मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 × 1 50x माइनस। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ट्रांसपोजिंग करना है। देखिए ट्रांसपोजिंग आपको आती है तो क्या करोगे, 150 को मैं यहां लेके आऊंगा तो माइनस का 150 बनेगा, इसको मैं लेके आऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का लिख दिया। इनको सिंप्लीफाई करने पर मेरी क्वाड्रेटिक रेडी है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है। आफ्टर दिस स्टेप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, सो ये 4x बन जाएगा, ये 115 बन जाएगा, ये बन जाएगा 750, राइट right? अब क्या करेंगे, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है ना वो हो जाए 113, यानी कि 4 × 370 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्रोडक्ट, और जो सम है वो क्या हो जाएगा, -115, तो नंबर है 100 और 15, एग्री। तो फ्रॉम दीज टू आई विल टेक व्हाट इज कॉमन, ये दोनों में से मैं, क्योंकि जगह कम है, आई विल राइट स्ट्रेट वे फैक्टर। अब फ्रॉम दिस आई विल गेट एक्स 15/4 और एक्स माइनस 25 से मुझे 25 मिल गया। अब दिस इज अ आंसर, क्वेश्चन होता है कि सर ये आंसर क्यों नहीं है। देखिए ये आंसर क्यों नहीं है आप पे छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ हिंट देता हूं कि आपको ये कहा गया है कि उन दोनों टुगेदर दे टेक 9 3/8 आवर्स, तो ये जो है वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, आप क्रॉस चेक करोगे देन ओनली यू विल राइट। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ के यार। So this is the second last question of our exercise, an interesting one. कहता है कि दो तरह की ट्रेन है, एक है पैसेंजर ट्रेन, राइट, और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो 1 आवर लेस लेती है, तेज चलती है, राइट right? लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 11 km/h ज्यादा। अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ले लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी x प्लस 11। बट अगेन ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है, टाइम डिफरेंस है ना वो है 1, तो टाइम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया। भाई डिस्टेंस तो मैसूर और बेंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज फिक्स 132, तो 130 डिवाइडेड बाई स्पीड, पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है उसमें से अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम करूंगा तो 1 आवर आना चाहिए, 130 इसका जो स्पीड निकाली वो ये होगी, टाइम माइनस करने पर बना है 132 आई टू कॉमन, सो 1/x बचा, इनको सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपोज करा, ये आ जाएगा x प्लस 11, x से x कैंसिल हो गया, सो 130 और 11 ऊपर बचा, और नीचे बचा x स्क्वायर, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आवर क्वाड्रेटिक इज रेडी। अब जनरली बच्चे कहते हैं सर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं करते, तो ये मैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से करता हूं। देखिए इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट मेरा आ गया बी स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c की वैल्यू नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट आया मेरा 5929। मुझे तो ओरली याद है ये एक्चुअल में 77, जब मैं फार्मूले में पुट करूंगा ना क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो 5929 का स्क्वायर रूट 77 होता है, राइट सिंप्लीफाई करने पे एक्स की वैल्यू 33 आई, इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। आई होप ये क्लियर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, एंड आई थिंक ये इजी है सबसे, क्यों इजी है, इसमें साफ कह रहा है कि दो स्केयर हैं, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो अगर मैं इसकी साइड एक्स ले लेता हूं तो इसका पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, तो ये तो बड़ा पेरीमीटर है ना, तो यानी कि पेरीमीटर 4y जो है बिगर वाले का और 4x स्मॉलर वाले का, इनका जो डिफरेंस है वो 24 गिवन है। तो देखिए मैंने डिवाइड करा 4 से डिवाइड किया तो मेरा y माइनस x है ना वो 6 आ गया, राइट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 6 होगी। मैंने इससे पहले ही एज्यूम कर लिया था कि स्मॉलर की साइड को x माना है और बिगर की y। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया जो है ना उनका सम 468 है, एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो बड़े वाले का एरिया
प्लस में स्मॉलर का एरिया, दोनों का सम 468 है। तो वाई की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा, वाई इज एक्स प्लस सिक्स और x एज इट इज है। इनको सिंप्लीफाई किया, आइडेंटिटी लगाई, एक ए स्केयर बी स्केयर और 2ab। देखिए यहां पे x स्केयर 2 टाइम्स इट इज कमिंग, सो आई विल राइट 2x स्केयर और 12x एज इट इज है। 468 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक। बट हम दोनों नोट करा, इसमें तीनों टर्म 2 से डिवाइड होती हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, पता डिवाइड करने का पर्पज है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया, सो दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक सम। देखिए दो नंबर का सम तो 6 आए और जो प्रोडक्ट है वो -216 आए, तो अगेन जो मेरे लिए जो नंबर हैं वो नंबर हो जाएंगे x प्लस 18, यानी कि ये नंबर है, इनको ऐड करेंगे। सो ऑन फैक्टराइजेशन दीज टू ब्रैकेट आर पॉसिबल। इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव तो एरिया साइड हो ही नहीं सकती, सो इसको मैंने जीरो के बराबर रखा तो आंसर आया x इज इक्वल टू 12। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम फिर। सो इन दिस वीडियो ओनली दिस एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच।